हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम, सराउंडिंग और टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे। हमने वहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था, है ना, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ये सब हमने वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था। और डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू हमने वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो सिस्टम के टाइप्स हैं ये देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना। फाइव टाइप्स की होती है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो सभी को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, और बिल्कुल इजी डेफिनेशन बनाई है मैंने आपके लिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहली डेफिनेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, और थर्मल, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, है ना। तो यहां पर टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना। आइसो मीन्स सेम, थर्मल यानी के टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर रहेगा, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कि, है ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है देखते हैं। अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, है ना। डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज और टी का मतलब टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, है ना, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है पूरी प्रोसेस के अंदर, तो उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। यहां पर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। अब बार, है ना, बार का मतलब क्या होता है? प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट है बार, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, बार होता है ना, पास्कल होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो यहां पर बार का मतलब होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए यूनिट, है ना। तो यहां पर जो आइसोबारिक प्रोसेस है इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, पूरी प्रोसेस के पूरी प्रोसेस के दौरान। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है? अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। यहां पर डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। पूरी प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो जो चेंज आएगा प्रेशर में वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट रहेगा प्रेशर। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, है ना। देखिए, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा था, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा, है ना। डेल्टा वी जो है वो कांस्टेंट है, जीरो रहेगा, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा देखिए डेफिनेशन में। ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस नीदर हीट इंटर्स नोर लीव्स द सिस्टम, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? ना तो हीट इंटर करती है सिस्टम के अंदर और ना ही सिस्टम से हीट रिलीज होती है, हीट बाहर जाती है, है ना। तो ऐसा सिस्टम जहां पर ना तो हीट इंटर हो और ना हीट बाहर हो, है ना, ना तो इंटर हो और ना ही एग्जिट हो, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि यहां पर अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हमें करवानी है तो उसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, या तो क्लोज्ड सिस्टम है या फिर ओपन सिस्टम है, तो वहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे वो आप जरूर देख लीजिएगा,
ठीक है। चलिए, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ना तो हीट इंटर होगी सिस्टम में और ना ही सिस्टम से बाहर जाएगी। तो इस टाइप की जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां पर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा, है ना। क्यू का मतलब होता है हीट, तो चेंज इन हीट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए, अब नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में डेफिनेशन में क्या लिखा है देखते हैं। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सिस्टम इन अ गिवन स्टेट गोज थ्रू अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए, साइक्लिक प्रोसेस को एक बिल्कुल इजी एग्जांपल से, डेली लाइफ के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर डेली लाइफ के एग्जांपल से हम समझे तो चीज़ें हम ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं, है ना। स्कूल के बाद में आप मार्केट चले गए शॉपिंग करने के लिए, जो भी कुछ भी खरीदना है तो आप मार्केट में चले गए। मार्केट जाने के बाद में हॉस्पिटल में कुछ काम आ गया, है ना, जो भी सपोज कर रहे हैं हम। तो मार्केट जाने के बाद में आप हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल जाने के बाद आप अपने फ्रेंड के घर पे चले गए, और फ्रेंड के घर पे जाने के बाद में आप वापस कहां पर आ गए, अपने घर पर आ गए। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिन जिन रास्तों से आप गए हैं, तो आपका जो इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, आपका घर है ना, यहां से स्टार्ट किया, घर से स्टार्ट किया, घर से आप स्कूल गए, स्कूल से मार्केट गए, मार्केट से हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से आपके फ्रेंड के घर पे गए, और आपके फ्रेंड के घर से वापस आप कहां पर आ गए, आपके घर पर, है ना। तो एक साइकिल बन गया है। तो इसीलिए इस टाइप की जो प्रोसेस होती है इसको हम साइक्लिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब हम इनिशियल स्टेट में जहां पर थे वहीं पर वापस आ जाते हैं अलग अलग रास्तों से होकर के, है ना। लिखा है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम जो इनिशियल स्टेट है वहां पर वापस आ जाते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, जहां पर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो ये कुछ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस थी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। आई होप आप सभी जो प्रोसेसेस हैं उनको अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे।